हेलो वन, मैं दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। राजकुमार राव की पिक्चर रिलीज हो गई है, नाम है श्रीकांत, आ रहा है सबकी आंखें खोलने। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। कैसे लग रहे थे राजकुमार राव एज श्रीकांत? फिल्म की बात करें तो फिल्म तो अच्छी बनी है, लेकिन एक्टर की बात करें राजकुमार राव को ब्रिलियंट, मतलब माइंड ब्लोइंग क्या परफॉर्म किया, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। ओके, मतलब कहीं पर भी हमने लगाने की उन्हें आग खोली है। अच्छा, पूरे कैरेक्टर में अंधे का कैरेक्टर जो निभाया, जबरदस्त। अभी हम कह सकते हैं बच्चन साहब ने जब ब्लैक में काम किया था, उसके बाद हमने ये ऐसी फिल्म देखने मिली कि राजकुमार राव ने इतना अच्छा काम किया, मतलब लगे रहते कि ब्लाइंड मैन है, कहीं पर भी लगा नहीं हमको। मतलब एग्जाम देने जाते हैं यूके यूएस कहीं पे, एयरपोर्ट पे भी काम बहुत जबरदस्त किया उसने। अब कहानी पर आते, कहानी ट्रू स्टोरी कहते हैं, कहानी बहुत अच्छी है उसकी। देखो हर मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक छोटे से गांव साउथ में बताया, तो जब लड़का पैदा होता है उसको कोई कहने जाता कि तुझे लड़का हुआ, उसका बाप जा रहे भग भग के, तो तेरा घर इधर, तो दारू नहीं जाता है, क्वार्टर मतलब फुल बॉटल थी, ठीक है, नाच रहे तो बोलते हैं बड़ा देख तो ले, बोलते देखा मेरा लड़का है, फिर भी नाच रहे, बोलते ये मेरा, इसका नाम श्रीकांत और ये मेरा क्रिकेटर बनेगा, उसका बाप बोलते थे। फिर देखता है अरे उसको आँख ही नहीं है, वहाँ मैं सोचा था, तो सभी लोग बोलते इसको मार दो, बोलते अभी थोड़ा दुख सह ले तो अच्छी बात है, लेकिन आगे चल के क्या करो, आप लोग मर जाओ उसके बाद इसका क्या होगा। उसके बाप उसे दफनाने भी जाता है गड्ढा खोद के, लेकिन फिर भी उसकी माँ आके फिर उसको रोक लेती है। मतलब ये हम देखते हैं वही रियल कहानी है, लेकिन बच्चों को कितनी तकलीफ होती है स्कूल में, बच्चे कितने परेशान करते हैं, क्या करूँ, उसके दोस्त भी होते बोलते तू सारा जा कहीं भी भीख मांग, मत तेरा कुछ नहीं हो सकता है, वो इंसान आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, मतलब काबिल रहते हैं इंसान अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए टीचर होना जरूरी है। जैसे ज्योति का तो टीचर उसको हेल्प करती है, कहाँ का मतलब ये लोग कोर्ट में भी केस डालते हैं कि क्यों नहीं हो सकते, बोलते अगर आपकी किताब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो मेरी किताब आप पढ़ सकते हो, तो ये भी एक है, दोनों पहलू बताया। कहानी भी जबरदस्त है, स्क्रीन पे अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन सवा दो घंटे की पिक्चर में बोलते ना एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट का कमी है, उसके लाइफ के हाईलाइट दिखाए उन्होंने, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, एक 10 मिनट समझो कट कर सकते थे, बाकी गाना है, पापा कहते हैं तो बार बार आते हैं स्टार्ट टू एंड तक, गाना अच्छा है वही बार बार, और एक एक बैकग्राउंड गाना है वो भी अच्छा है, लेकिन उसे जो जर्नी बताई ना, जो उसने मेहनत की, जो उसे तकलीफ होती वो सब कुछ बताया। तो लास्ट में स्टेज पे भी बोलता है कि आप लोग प्यार करते हो तो हमारा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो, कि मुझे प्यार अंधों की तरह हो गया ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो। अच्छा, ये बताया कई बार में खड़े होते लोग रोड क्रॉस करवा लेते, अरे भाई मुझे नहीं जाना था, रोड क्रॉस कर, पुण्य कमाने के लिए रोड क्रॉस किया। हमारे देश में 2% ब्लाइंड मैन है, लेकिन 98% कैन सी, ये भी डायलॉग बहुत जबरदस्त है, अंधे है लेकिन बहुत से लोग देखते हैं लेकिन उनको दिखता नहीं है, तो अंधों के अंधों को बहुत सी सारी जरूरतें, बहुत चीज़ें, ये नहीं कि रोड क्रॉस करा लिया, बहुत से जरा आप हेल्प कर सकते हो, मतलब एक मैसेज दिया पिक्चर में, एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो अंधा है उसको भी और जो देखते हैं उससे भी। शरद केलकर भी है, उसका भी काम अच्छा है, काम सभी का अच्छा है, लव एंगल दिखाया उसका, कैसे लग रही थी, अच्छी लग रही थी, उसका लव हो जाता, मतलब वो तो ब्लाइंड है वो तो फैन हो जाती है, कितना एक गरीब घर से इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, वहां तक कैसे पहुंचा, यूएस से कैसे पहुंचा, तो उसका फैन हो जाती है, लव हो जाता है। पसंद आई है हमारे आम आदमी क्रिटिक को, मोटिवेट किया है, इंस्पिरेशनल कहानी है, एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू कम है लेकिन एज अ रियल लाइफ स्टोरी, एंड एंड में भी जो रियल श्रीकांत है वो बताए, जो शरद केलकर जो दोस्त जो बनाए रवि वो भी बताया, अब्दुल कलाम साहब के साथ उनका फोटो है, और 2022 में शादी हुई, मतलब वो लोग है अभी, मतलब एक एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक लोगों को मैसेज है कि ऐसे लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अंधा हो तो क्या हो गया। आ रहा है सबकी आंखें खोलने, कैसा क्या रेटिंग है 5 में से? राजकुमार को 5 में से 5 होगा, परफॉर्मेंस जबरदस्त, नो डाउट, भाई उसी को देख रहा था स्क्रीन के ऊपर कि एक सेकेंड है, एक मिनट भी नहीं लगा कि कुछ गलती कर देगा, आंखें खोल देगा, लेकिन नहीं, सुपर, ये अपन कह सकते हैं डायरेक्टर का काम है,
तुषार हीराना, तुषार हीराना क्या डायरेक्शन दिया, मतलब कहीं भी लगा होगा तो कट गया होगा ना उसने, तो परफेक्ट मतलब शॉट लिया उसने। ओके ओके, पांच में से कितने दिए विजय? पांच में से मैं चार दूंगा, चार स्टार की रेटिंग है पिक्चर को। श्रीकांत क्या बात है, रिव्यू सुना है आपने श्रीकांत का, जाके देखिए जरूर पिक्चर, एंड कमेंट्स में हमको जरूर बताना श्रीकांत आपको कैसा। थैंक यू।